झांसी में आते ही महारानी झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की हुकार मेरी झांसी नहीं दूंगी वो आज भी कानों में गूंजने लगती है। वीर जानकारी बाई का शौर्य, उनका त्याग, उनका बलिदान आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है और तात्या टोपे का साहस और अंग्रेजों को झुकाने वाली उनकी रणनीति और सन 57 की क्रांति आज भी नजर के सामने आती है। भैया हो गया, बैठ जाओ, देख लिया मैंने। ओ बैठ जाओ, देख लिया मैंने, आपको कह रहा हूं नीले जब्बे वाले, बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाइए, देख लिया, धन्यवाद। मित्रों यही बुंदेलखंड की धरती थी जिन्हें अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया, यही धरती थी जिन्हें आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसी धरती के पंडित बाबूलाल दुबे, लाडली प्रसाद जी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, कृष्ण गणेश अन्ना जी, कुंज बिहारी लाल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना यहां से देश की आजादी में योगदान दिया और यही धरती ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी भारत को भेंट करने का काम किया। मित्रों आज उसी धरती पर मैं आया हूं और मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि आज इस धरती पर मैं चुनाव प्रचार के लिए आया हूं। रवि शर्मा मेरे साथ खड़े हैं, अरे हो गए नारे भैया, हो गया, वरना तुम चालू रखो मैं बंद कर दूं, हो गया पक्का पक्का, भारत माता की जय के अलावे कुछ नहीं बोलोगे, बस बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। मित्रों मुझे 2013 का दिसंबर याद है, रवि के घर पर नाश्ता कर झांसी के सारे प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर यहां से बुंदेलखंड विजय की रणनीति बनाई गई थी। जब मैं उस वक्त कहता था कि मोदी जी के नेतृत्व में 60 पार करनी है, 14 के चुनाव में 60 लोकसभा जीतनी है, मुझे याद है रवि भाई समेत सारे लोग मेरे सामने ऐसे ही देख रहे थे कि एक व्यक्ति कहां से आया है और क्या बोल रहा है, मगर ये उत्तर प्रदेश की महान जनता का, ये बुंदेलखंड की महान जनता का आशीर्वाद था। जब वोटों का काउंटिंग समाप्त हुआ, 60 छोड़ दीजिए, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल, और वहीं से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विजय की गाथा को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ने लिखना शुरू किया। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, उस वक्त भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, महोबा से शुरुआत करी थी और हमने कहा था यहां पर ना बुआ आएंगे ना भतीजा आएंगे, कमल ही कमल खिलेंगे। और मित्रों 19 की 19 सीटें पूरे बुंदेलखंड को सफाया कर सिर्फ कमल का निशान बुंदेलखंड ने लखनऊ विधानसभा में दिया। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश ने फिर से एक बार 65 से ज्यादा सीटें देकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब से मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर आया है, हाथी और साइकिल दोनों रास्ता भूलकर भटकने लगे हैं और हर गलियारे में कमल का फूल खिला हुआ दिखाई।
मैं जब आज यहां आया हूं, थोड़ा समय कम है मित्रों, मगर मैं आपको बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश को देश का सोचने वाली सरकार चाहिए या अपना परिवार का सोचने वाली सरकार चाहिए, बताइए भाई। उत्तर प्रदेश को देश का सोचने वाली सरकार चाहिए या परिवार का? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ता है। क्या ये सपा बसपा देश का सोच सकते हैं क्या? जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? देश के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। माताओं, बहनों, भाइयों, बुंदेलखंड के लोगों को याद होगा, इस सपा बसपा के जमाने में सरकार बदलती थी तो माफिया भी बदल जाते थे, मगर बुंदेलखंड को माफियाओं से मुक्ति नहीं मिलती थी। मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, कोई तो गए ऊपर, कुछ है जेल में, और कुछ भागकर नरोत्तम मिश्रा के मध्य प्रदेश में सरेंडर कर गए। मगर ये जो माफियाओं का राज था, आपने 300 सीटें दी, योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में माफियाओं का सफाया कर बुंदेलखंड के विकास का रास्ता। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं दिखाई पड़ता है, चुन चुन कर माफियाओं को जेल में डालने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और इसीलिए यहां पर एक विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, बुंदेलखंड के अंदर पहले सपा बसपा के जमाने में क्या होता था? अवैध खनन होता था। अवैध खनन की जगह भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आई। अवैध कब्जे होते थे, गरीबों की भूमि माफिया छीन कर ले जाते थे। योगी सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि को माफियाओं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जहां अवैध कब्जे होते थे, वहां आज बुंदेलखंड में सोलार का हब बना हुआ है। पहले यहां दबंगई और दंगे होते थे, इसकी जगह बुंदेलखंड की प्यास को बुझाने के लिए हर घर में नल से पानी पहुंचाने की योजना ये भारतीय जनता पार्टी ने की। पहले घोटाले होते थे, अब अनेक बांध परियोजनाएं लेकर हम आए हैं। पहले गरीबों का शोषण होता था, आज हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा दिया गया है। हर गरीब माता के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। हर गरीब के घर में आज बिजली पहुंचाने का काम समाप्त तो हो चुका है। हर गरीब के घर में 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप यहां उपस्थित हो, मुझे बताओ भाई, कितने लोगों ने टीका ले लिया है कोरोना का? जरा हाथ ऊपर करो। सबने लिया है ना? पक्का? अब जब टीका हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया, मैंने अखिलेश यादव की प्रेस देखी थी, वो कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। अखिलेश बाबू ने तो फिर डर कर टीका वो खुद लगा लिए। मगर मुझे बताओ झांसी वालों, अगर आपने डर कर अखिलेश की बात मानकर टीका न लगाया होता तो आज तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? रहते क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को दो दो टीके लगाकर कोरोना के सामने सुरक्षित करने का काम किया। दुनिया भर में जब कोरोना आया तब चर्चा थी,
कि कोरोना से ज्यादा तो भूख से लोग मारे जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसने 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को यूपी में 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये 2 साल तक गरीब का घर का चूल्हा चलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न सोए, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। मित्रों, हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम भेजी। मित्रों, अपने झांसी के अंदर 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा प्लांट भी, सोलर प्लांट नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। मित्रों, झांसी के अंदर बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा लगने वाली है, नहरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर पूरे बुंदेलखंड की बिजली की समस्या समाप्त होने वाली। झांसी वालों, मुझे बताओ भाई, बिजली रानी आपके घर में कितना घंटा आती थी सपा के राज में? कितना, जरा जोर से बोलो, ईश्वर बोलो भाई, कितना घंटा आती थी? आज 24 घंटा बिजली भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मित्रों, इसको कहते हैं सुशासन। जाकलोन पंप के ना ललितपुर के टॉप पर 2.5 मेगावाट का हमने यहां पर सोलर प्लांट लगाया है। चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट धाम विकास परिषद बनाई गई, और जल के लिए मैं बताता हूं, 1000 साल से बुंदेलखंड अकालग्रस्त क्षेत्र रहा। हमारे यहां मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने अटल जी के समय ही सारा डेवलपमेंट कर लिया था, पैसा तो यहां पर आया था, मगर अखिलेश सरकार के चट्टे बट्टे पूरा पैसा खा गए। अब पैसा खा गए, कहीं ना कहीं तो छिपाया होगा। कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने कानपुर में एक समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड डाल दी। आपको मालूम है ना रेड पड़ी थी? आपको मैं बताने चाहता हूं, ये मंच पूरा भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां वहां से पकड़ी गई, इतनी नोटों की गड्डियां पकड़ी गई। और अखिलेश बाबू नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रेड हो रही है। क्यों अखिलेश बाबू, ये आपका रुपया था क्या? जरा झांसी वालों को बता जाओ। और अगर आपका नहीं है तो आपको क्या नाराजगी है? अखिलेश जी, कान खोल कर सुन लो, जो भ्रष्टाचार का पैसा होगा, अवैध पैसा होगा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जरा भी नहीं डरेगी, रेड डालकर सरकार के खजाने में उसको जमा कर दे।